भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। सभी लोग वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद ध्यान पूर्वक पूरा देख करके जाना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मानदेय में बढ़ोतरी के संबंध में। जैसा कि आपको अवगत होगा कि अभी कल शाम को हमने 1.5 मिनट का एक वीडियो आप लोगों को दिखाया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी आप सबके मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में कुछ बोल रहे हैं। उसके अलावा आज सुबह हमने एक और आप लोगों को एक वीडियो दिया है, जो पूरा फुल वीडियो है, शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो में दिखाया गया है, जो भी यहां पर आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में हो, चाहे अनुदेशकों के मानदेय के बढ़ोतरी के संबंध में हो। तो कृपया आप सब भाई बहन पूरा वीडियो, ये वाला जिसमें 30 दिसंबर ऊपर लिखा हो, उसको एक बार देख लेना, 25 मिनट का लगभग होगा। इससे आपको एहसास हो जाएगा कि सरकार मानदेय बढ़ोतरी वाकई में करना चाहती है या केवल चुनाव प्रचार प्रसार में बस भीड़ जुटाने के लिए हिस्सेदारी जैसा बढ़ाती चली जा रही है कि हर एक तबके को बस खुश कर देना है, और वो भी अपने बिना लड़खड़ाती हुई जवान से जुमले पर जुमले बोलते हुए, क्योंकि जवान इंसान की लड़खड़ा जाती है जब ज्यादा वो झूठ बोलता है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतने जो यहां पर प्रोफेशनल हो गए हैं कि उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी पता नहीं कितनी बार उन्होंने कर रखी है, और खुदा न खास्ता एक बार भी मानदेय इनकी बढ़ोतरी वाला बहनों के हाथों पर नहीं पहुंचा है। तो यही कहना चाहेंगे कि बिना लड़खड़ाए वो फिर से एक बार बोल रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में, और इसीलिए आपके यहां पर एक ये आदेश निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग से जारी भी कर दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो भी करते हैं वो उनका सोची समझी एक रणनीति स्वरूप होता है। इस बार भी पहले की तरह सम्मेलन बुलाया जाएगा और उस सम्मेलन के माध्यम से मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी, और इसीलिए 3 जनवरी 2022 को पूर्वाहन 11 बजे से 12 बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका सम्मेलन रखा गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो समस्त जो जिलाधिकारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, इनको लेटर भेज दिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि यहां पर आप देखिएगा, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 3 जनवरी 2022 को पूर्वाहन 11 बजे से 12 बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित होना है। उक्त कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदेश के समस्त जनपदों में कराई जाएगी। वही वाला सिस्टम की ब्लॉकों पर परियोजनाओं में बहनों आप सबको बुला बुला करके स्क्रीन पर दिखाया गया होगा, टीवी लगाई गई होंगी, प्रोजेक्टर आए होंगे और बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री जी बोल रहे होंगे आप सबको खुश करने के लिए, जैसे पहले हुआ था सेम टू सेम वैसे ही ये किया जा रहा है। फर्क इतना है इस बार चुनाव सर पर है इसलिए ये कराया जा रहा है, और पहली बार जो उन्होंने कार्यक्रम किया सब किया था वो 1500 रुपया किसी भी बहन के हाथ पर नहीं आया। उसके बाद भी सरकार ने एक बार और जो है बोला था 500 रुपए के संबंध में, वो भी पैसा नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में फिर से निकला था 500 रुपया बढ़ गया आंगनबाड़ी बहनों का, जब प्रधानों का, जिला पंचायत वालों का, इन सबका जब पैसा बढ़ाया गया था तो तब 500 रुपए के बारे में चर्चाएं हुई। आज फिर से ये कह रहे हैं कि 3 जनवरी को प्रोग्राम रखेंगे, सम्मेलन बुलाएंगे और बहनों आपका मानदेय बढ़ेगा। अब बताओ कितनी बार यकीन किया जाए इस सरकार पर। यहां पर लिखा हुआ अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जनपद की जो आंगनबाड़ी है सहायिका है इनकी समुचित स्थान पर उपस्थिति कराओ और अपने नेतृत्व में माननीय जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित करने का कष्ट करो। जन प्रतिनिधियों को इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है और यही कार्यक्रमों के चलते जनता का वोट भी लेना है, तो इसीलिए बहनों का यह कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर सारिका मोहन जी ने एक लेटर निकाला, आपको याद
याद होगा जब पिछली बार भी यही सम्मेलन हुआ था तब निदेशक कौन था और किस तरीके से मानदेय को यहां पर जो है प्रोत्साहन में बदल दिया गया था। वो बदलने वाले कौन थे? वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो हमारे जो है निदेशालय में बैठे अफसर थे बड़े बड़े वाले, और वही उन्होंने ये गुण खिलाए थे, 1500 को प्रोत्साहन कर दिया था। खैर छोड़ो, रश्मि राय बहन आती है कुशीनगर से, उन्होंने ये लेटर भेजा था। पहली बात तो बहन को धन्यवाद। इसके बाद ये वीडियो भेजा था सुदामा देवी बहन सुल्तानपुर से आती है। ये वीडियो तो आपको कल 1.5 मिनट 45 सेकंड का था, डबल मैंने कर दिया था ताकि आप लोग अच्छे से देख ले, अगर एक बार में समझ ना आए तो उसको दोबारा देख ले। खैर वो भी दिखा दिया गया था। इसके अलावा हमने जो आज दिया है 30 दिसंबर को वीडियो आपको, वो है 25 मिनट का या 26 मिनट का। इस वीडियो को आप पूरा देखना और सुनना कैसे हर तबके को वहां पर वो खुश कर रहे हैं अपनी कही हुई बातों से, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो। मैं ये नहीं कहता ये गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि बार बार इन्होंने बहनों को जो भी दिया है वो केवल बातों तक ही सीमित रह गया, वो जमीनी स्तर पर वो उतार नहीं पाए। तो इधर बात करते हैं, इन्होंने अपने सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने यहां पर क्या लिखा है इसको भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। यहां पर यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया रसोइयों और अनुदेशकों का मानदेय, अंशकालिक अनुदेशकों के निर्धारित मानदेय में प्रतिमाह 2000 की वृद्धि। तो अनुदेशकों का 2000 रुपया बढ़ेगा 3 तारीख को, ये तो कंफर्म है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहां पर नहीं लिखा, लिखा रसोइयों के मानदेय में प्रतिमाह 500 की बढ़ोतरी और जो है यहां पर 5 लाख का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा कवर। तो ये रसोइया बहनों के लिए हो गया। इनके अलावा ये देखो गवर्नमेंट ने यहां भी लिखा अनुदेशकों के लिए लिखा है, और इसके अलावा रसोइयों के लिए लिखा है, और रसोइयों को मिलेंगे 2 साड़ी और यहां पर एप्रन व हेड कैप के लिए मिलेगा पैसा। तो रसोइया बहनों को 2 साड़ी भी मिला करेंगी, एप्रन और हेड कैप ये सब मिलेगा और पैसा जो है इनके लिए पैसा इनको दिया जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम सरकार जो कहती है उसको कर तो दे, क्योंकि इन्होंने जो आज ये कह रहे हैं या आने वाले 3 तारीख को ये और बोलेंगे दोबारा, क्या वो वक्त आने पर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बराबर आर्टिकल आते रहते, ट्वीट भी आते रहते हैं। 3 साल पहले भी आपने देखा था ट्विटर पर सरकार ने डाला था कि हमने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा 4-5 साल बीत गया और यहां पर अभी तक उनको एक चवन्नी तक उसमें से बढ़ोतरी से नहीं मिली, तो आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो गया? मानदेय आज बढ़ाते हैं, घोषणा आज करते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार तुरंत पोस्ट डाल देते हैं। आर्थिक स्थितियों में सुधार इतनी जल्दी नहीं होता, अगर इतनी जल्दी हो जाए तो देश भी तरक्की कर जाए ना इतनी जल्दी, क्योंकि ये नाम बदलने जैसा इतना आसान नहीं होता है कि आपने कुछ भी कह दिया सो हो गया। ये यहां पर इन चीजों में जो है बदलाव आने में वक्त लगता है, और ये आर्थिक स्थितियों में सुधार केवल और केवल 10 मिनट में बोल करके ही कर देते हैं। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले जो है कुशीनगर वाले ग्रुप से एक ये पोस्ट डाली गई है, और यहां पर आप देख सकते हो इसमें बहनों ने क्या कहा। बहन ने कहा है कि योगी बाबा जी श्रम कार्ड पर नहीं मानदेय पर 2000 रुपया देते तो बात समझ में आती। आपको याद होगा आंगनबाड़ी बहने सहायिका बहने इन सब का भी श्रम कार्ड बनवाया गया है, और श्रम कार्ड बनना किसका था वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं, जो भी मजदूर टाइप के या रेहड़ी वाले पटरी वाले जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं इधर उधर छोटे वाले, उनके लिए ये श्रम कार्ड बनाए गए थे, उनका डेटाबेस गवर्नमेंट तैयार कर रही थी। उन्हीं जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों में आंगनबाड़ी बहनों आशा बहनों आप सबको भी उसी में इन्होंने डाल दिया कि इनका भी श्रम कार्ड बनवाओ। क्या हम लोगों को जो है इतना गया गुजरा ये समझते हैं? लिखा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वोट के लिए नोट दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी को रोड छाप मजदूर समझते हैं जो 2000 रुपया देकर के वोट ले लेंगे। तो बहनों में गुस्सा फूट रहा है, और बहनों का ही यह है पोस्ट जो फेसबुक पर आंगनबाड़ी कुशीनगर की तरफ से पोस्ट हुआ, और वाकई में उन्होंने सही कहा है बिल्कुल एकदम से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो श्रम कार्ड में पैसा देंगे, ये बनवा लो वो बनवा लो, जनता को अगर डायरेक्ट जाग जाग कर बांटेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वो गलत होगा संवैधानिक रूप से। इस तरह से जो है जनता को लुभावने के लिए कभी किसानों को 2000 की किस्त दे दो, फिर आगे 3000 की आ जाएंगी ऐसे करके ताकि किसान खुश हो जाए। दूसरी तरफ किसानों के लिए काले कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, धरने पर पढ़े लिखे किसान जब बैठ जाते हैं तो फिर उनको अपना सब पीछे करना पड़ता है। उधर किसानों का गल्ला सस्ता खरीद लेते हैं, खाद पानी के लिए किसान दौड़ता जो है फिरता रहता है। आप देखते हो डीजल पेट्रोल कितने दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो महंगाई की मार किसानों पर डाल देते हैं, और दूसरी तरफ जो है किसानों को 2000 उनकी देकर के उनकी आय दोगुनी कर देते हैं। ऐसे इनकी रणनीतियां चलती हैं, फिर भी इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो यहां पर सोचिए, इधर जो राशन आप मुफ्त का पा रहे हो ना, ये आपकी जेब से ही वसूला जाता है और आपकी जेब से ही आने वाले वक्त में और वसूला जाएगा। 2 किलो देंगे तो जो है
20 किलो आपकी जेब से निकालेंगे टैक्स शुरू, महंगाई की मार आपके ऊपर लाद करके। आपको क्या लगता है 100 रुपए में अगर पेट्रोल हो जाता तो क्या इसकी कच्चे तेल की कीमत कितनी होती है? अगर संशोधन भी हो जाए तब भी 70 रुपए में गवर्नमेंट बेचे, फिर भी उसको मुनाफा हो जाए और सारी प्रक्रियाओं के तहत सब कुछ उसका पूरा हो जाए, लेकिन बेचा 100-100 से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो पैसा जमा करना है यहां से। आपको जो पता है कितने वाहन है हमारे पूरे भारत देश में, कितना पेट्रोल की खपत होती है, डीजल की खपत होती है, कितनी मशीनें हैं, कितना होता है, कितना मुनाफा है इस वाले धंधे में? एक तो शराब, दूसरा ये पेट्रोल, ये दोनों जो है यहां पर पानी की तरह पिए जा रहे हैं। कोई मशीनें पी रही हैं और इधर जो शराब को इंसान मशीन बन करके पी रहा है, क्योंकि उसको खाने से मतलब नहीं, उसको पीने से मतलब है। तो सोचिए, इधर आशीष कुमार सिंह जी आते हैं और ये शायद अनुदेशक है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे संवाद के दौरान कहा कि किसी का मानदेय घटाया नहीं गया। अभी हमने आपको जो 26 मिनट का वीडियो दिखाया ना, उस 26 मिनट के वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे समझेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, ये अनुदेशक भाई बहनों की भी दशा आपके जैसी ही है। इन्होंने कहा है कि विजय किरण आनंद ने किस आधार पर अनुदेशक शिक्षकों से रिकवरी की थी, 2000 की भीख अनुदेशकों को भी नहीं चाहिए, वो भी इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप सोचो कि 500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों आपके हाथों पर ये थमाने के लिए कहते हैं और 14 बार उसका गुणगान बखान करते हैं और 5 सालों में किसी के हाथ पर ये रख नहीं पाते हैं, तो इससे शर्म की बात और क्या होगी? और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों में आपको भी डाल देते हैं, आपका भी श्रम कार्ड बनवाते हैं, आपको भी चुनाव आ रहे हैं तो 100-500 हजार जो भी रुपया देना चाहे उसमें डाल देंगे, आप भी उसके दायरे में आ जाओ, ये आपको दिखाना चाहते हैं। अरे आप इस दायरे में आने के लिए परेशान हो तो फिर आप राज्य कर्मचारी का दर्जा कैसे लोगी? तो सोचिए, अगर आपके इरादे और आपकी मंजिलें ही गलत हैं, आपको चाहिए राज्य कर्मचारी का दर्जा, तो आप इन चीजों के लिए क्यों लड़ती हैं? ये बनवाओ ही मत, इसका विरोध होना चाहिए कि हम असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों में क्यों आए, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अब देख रहे हो नई शिक्षा नीति आई है, टीचर का दर्जा मिलना चाहिए, तो इन मांगों को लेकर के आप अड़ेंगे, लेकिन यहां पर कोई समझाने और सीखने वाला है ही नहीं, अपने मन से कोई कुछ करता ही नहीं है। इधर आप देखिएगा तो यहां पर अनुदेशकों का मानदेय घटा दिया गया था, रिकवरी तक कर ली गई थी, वसूली हो गई थी, और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं संवाद वाले कार्यक्रम में, कल वाले जो आपको मैंने आज दिखाया है उसमें, कि किसी का मानदेय घटाया नहीं गया है। बताओ ये शर्म की बात है कि नहीं है? मानदेय अनुदेशकों का घटाया गया, रिकवरी तक हुई, सरकारी बकायदा आदेश भी आप यहां पे देख सकते हो, सर्व शिक्षा अभियान और ये राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से ये 15 जुलाई 2019 को रिकवरी की गई थी, आदेश निकला था और यहां पर विजय किरण जो किरण आनंद थे राज्य परियोजना निदेशक, उन्होंने ये लेटर 15 जुलाई 2019 को निकाला था। आपकी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर भेजा गया था और आप देख सकते हो अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय की धनराशि प्रेषण के संबंध में, इसमें साफ शब्दों में चीजें जो है रिकवरी के लिए लिख दिया गया है। आइए आपको एक बार पढ़कर के भी बताते ताकि यकीन हो जाए। लिखा गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से अंशकालिक अनुदेशकों का माह दिसंबर 2018 तक का मानदेय प्रेषित किया गया है। मार्च 2018 से दिसंबर 2018 का मानदेय ₹8,470 प्रतिमा की दर से प्रेषित किया गया है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में वर्ष 2018-19 हेतु अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय ₹7,000 प्रतिमा की दर से अनुमोदित किया गया है। शासन के पत्र संख्या दी गई है 28 जून 2019 के क्रम में माह मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक ₹1,470 जो हैं, यानी जो एक्स्ट्रा थे वो प्रतिमाह अतिरिक्त प्रेषित धनराशि को समायोजित करते हुए माह जनवरी फरवरी मार्च 2019 हेतु कुल यहां पर इतने रुपए लिख दिए गए हैं। इतने लाख की धनराशि संलग्न सारणी के कालम संख्या जो है 33 में अंकित विवरण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अवमुक्त कर दी गई। आप देख सकते हो तो रिकवरी यहां पर हो गई थी इनके मानदेय में 1470 रुपए की, जो इनको एक्स्ट्रा पे कर दिया गया था क्योंकि इनको 8,470 रुपया प्रतिमा के हिसाब से मानदेय मिला था और इनको उन्होंने पुराने जो है कागजात खंगाले उसमें उन्होंने कहा कि 7,000 के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा वाला उनका अपनी इधर से काट लिया। तो आरटीजीएस या निफ्ट के माध्यम से जो यहां पर सीधे अंशकालिक अनुदेशकों के खातों में पैसे जो यहां पर प्रेषित किए गए थे। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये हाथी के दांत की तरह है, ये कहते कुछ और हैं जनता के सामने और करते कुछ और है। जैसे आंगनबाड़ी बहनों को पिछले 2.5-3 साल पहले जब पैसा बढ़ाने के लिए सम्मेलन करवाया था, ब्लॉकों पर बहनें बुलाई गईं, बहनों को लगा आज बहुत बड़ी जो है यहां पर खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ा सम्मान जो है जनक मानदेय गवर्नमेंट देने वाली है, लेकिन जब वहां पहुंची सुना तो कुछ नहीं मिला, 1500 मिला, तब भी बहनें खुश थी कि चलो 1500 मिला।
तो यहां पर क्योंकि गरीब इंसान के लिए दो दो पैसे बहुत होते हैं। अब बाद में क्या पता चला कि वो प्रोत्साहन है गवर्नमेंट ने, उसमें कागजातों में हेरा फेरी करके जो निदेशक लोगों ने उस टाइम पर वहां पर उसको क्या बना दिया, प्रोत्साहन बना दिया, और वो भी 3 सालों में गवर्नमेंट किसी को दे नहीं पाई। यही लगा चलो काम करती मैंने उनको मिल जाएगा शर्तों के आधार पर, उनको भी नहीं मिला, किसी की बहन को नहीं मिला, जबकि सम्मान स्वरूप कार्यक्रम हर साल होते हैं और हर साल जो है ब्लॉकों पर जिलों पर बहनों को सम्मानित भी किया जाता है। सम्मानित इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। अगर उन बहनों के काम अच्छे हैं तो उनको प्रोत्साहन के तो दायरे में आना चाहिए था, शर्तों को तो उन्होंने पूरा ही किया होगा, जब काम अच्छे हैं तो पैसा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किसी को किसी के हाथ पर पैसा नहीं मिला। तो ये कब तक चलेगा? अब तो चुनाव आ गए हैं, अब तो बाबा जी को कुर्सी की भी चिंता सता रही है, तो अब फिर से सम्मेलन आया है, सम्मेलन में पैसा बढ़ेगा, पता नहीं आपके हाथ पर कब आएगा। नवंबर का मानदेय गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, दिसंबर पूरा आप जाने वाला है, दो दो महीना हो गया, मानदेय बकाया अधर में लटका है, 5500 वाले कर्मचारी पर महंगाई के ऊपर से मार अलग है। आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कहती क्या है, करती क्या है, बस बातों से खुश करना चाहते हैं मोदी जी भी कि आप यशोदा मां हैं, उधर जो राज्यपाल जी कहती हैं आप मौसी हैं, इधर योगी जी ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, बहुत आपसे खुश है, प्रसन्न है, मानदेय बढ़ेगा, बस ऐसे ही सब चल रहा है। इधर आप देख सकते हो एक और अगली खबर आई थी, उर्मिला देवी आती है उन्नाव से, समस्त कार्यकर्ती कृपया ध्यान दें, कल दिनांक 30 तारीख को यानी आज 30 तारीख को 12 बजे उन्नाव में कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को लेकर उन्नाव रामलीला मैदान में उपस्थित होना है। जो है यहाँ पर न जाने पर कार्रवाई जो है प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसका आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो ये देखिए उन्नाव में बिना ड्रेस के बहनों को बुलाया जा रहा है, इधर देखिए क्योंकि वहां पर कोई नेता आ रहा होगा भीड़ जुटाने के लिए, बहनें वहां पर जाएंगी। अब सुशीला मैन आती रायबरेली से, उन्होंने कहा कि इतनी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को 3 जनवरी को विभाग के द्वारा लखनऊ भेजा जा रहा है। तो लखनऊ में इसीलिए क्योंकि वहां पर सम्मेलन होगा और ये बहनें चुनी गई हैं ताकि सम्मेलन में बहनें जाएं और चुपचाप, हमारी तो समझ में ये नहीं आता बहनें जो सम्मेलन में जाती हैं क्या गवर्नमेंट उनकी पहले छटनी करके उनको भेजता है, क्योंकि वहां पर पहुंच करके कोई भी बहन खड़े होकर के एक सवाल तक गवर्नमेंट ने से नहीं कर पाती कि आपने पहले भी तो ये सब किया है, पहले भी तो मानदेय बढ़ोतरी के लिए इतना सब किया, न जाने कितनी बार आपने कहा कि किसी बहन के हाथों पर कुछ आया, आपने 5 साल बिता दिए, जबकि आपसे तो उम्मीद ये थी कि सत्ता में आओगे, आपने वादा किया था, घोषणा पत्र में लिखा है कि 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपका मानदेय बढ़ जाएगा। अरे 3 महीने छोड़ो, हम तो ये सोच रहे थे साल भर में भी सब हो जाएगा, तब भी बहुत है, और साल भर के बाद 4 साल सरकार रहेगी सत्ता में, बढ़िया सा मानदेय देगी सम्मानजनक, हो सकता है इस पंचवर्षीय योजना में सरकार की पूरा जो है एक बार और बढ़ोतरी हो जाए। अरे एक बार और छोड़ो, 3-3, 4-4 बार बढ़ोतरियां हुई लेकिन वो जुमलों पर आधारित थी और पैसा चमन्नी एक को भी नहीं मिला। तो ये देख सकते हो ये बहनें हैं जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में 3 तारीख को शामिल होने वाली है, और ये जनपद का नाम रायबरेली है, ब्लॉकों के नाम देखो शिवगढ़ ब्लॉक से बहनें जा रही हैं, इन सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए 3 जनवरी को। खैर इनको छोड़ते हैं पीछे, इस तरह से और भी जगह से बहनें जाएंगी। विनीता बहन इटावा से आती, इन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है, इनका कहना है कि 28 तारीख को दिनेश शर्मा विद्युत मंत्री आए हैं, सीडीपीओ ने हम लोगों को बिना यूनिफॉर्म के बुलाया भीड़ जुटाने के लिए। देखो कोई भी अगर अंतरिम मंत्री आ जाए तो उसमें भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए केवल महिलाएं वहां पर आंगनबाड़ी बहनें आशा बहनें यही सब भेज दी जाती हैं। ऐसे हर जगह चल रहा है, बताओ ये कब तक चलेगा? कर्मचारियों का उपयोग जो अपनी रैली में गवर्नमेंट कर रही है, सरकारी खजाने का जो पैसा है, मान लो अभी रोडवेज वगैरह आप देखते हो गवर्नमेंट अपनी रैली में प्रचार प्रसार के लिए सरकारी बसों से जो भेजती है, इस तरह से चीजें चल रही हैं। इधर देखिएगा यहां पर ये वहीं से फोटो आई विनीता बहन ने भेजी थी, अब ऐसे ही ये देखिएगा गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से आती है, इन्होंने कहा कि 29 तारीख को हमारा निचलौल ब्लॉक वगैरह महाराजगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की बैठक की गई है, बैठक इको गार्डन लखनऊ में अब धरना करने के बारे में चर्चा की गई है, जल्दी हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब क्या करेंगी धरना प्रदर्शन, 3 तारीख को तो वो पैसा बढ़ाने वाले हैं और पैसा हमेशा की तरह फिर आपका बढ़ेगा, तो वही जुमले शुरू बढ़ेगा, और देख लेना 500 रुपया कहेंगे बहुत भारी बढ़ोतरी, और पिछले वाले सब गिना देंगे, 5500 रुपया आपको जो मिलता था वो गिना देंगे, उसके बाद में आपका 1500 जो अभी गवर्नमेंट ने वो कहा था शर्तों के आधार पर वो गिना देंगे, 500 भारत सरकार वाला गिना देंगे और 500 भी अपना नया गिना देंगे, इस तरह से करके आपको 8-9 हजार के करीब ले जाएंगे, 8-8.5 हजार, और फिर आपको क्या बोलेंगे कि इतना आपका मानदेय हो गया। लेकिन हकीकत में क्या सत्ता से अगर सरकार जा रही है या नहीं जा रही है जो भी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन 5 सालों में तो ये कुछ नहीं दे पाए, चवन्नी भी नहीं दे पाए जो इनको देना चाहिए था, तभी तो भरोसा जीत पाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, केवल और केवल जुमले। गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से आती, उन्होंने ये खबर भेजी है, और इनके अलावा ये देखिएगा देशराज तिवारी भाई अमेठी से आते हैं, बहन ने कहा है, भाई ने कहा कि लखनऊ इको गार्डन में क्रमिक अनशन पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता सिंह के साथ सैकड़ों आंगनबाड़ी बहने कार्यकर्ता इको गार्डन
लखनऊ में अपनी मांग को लेकर धरने पर कर्मी कंसन पर बैठी हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जो यहाँ पर बदली ऊपर से अलग है, बरसात भी है और सभी बहनें इको गार्डन में डटी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कुछ बहनें हैं जो कर्मी कंसन पर वहां पर बैठी हैं और गवर्नमेंट जो है फिर भी नहीं सुन रही, क्योंकि उनको लगता है कि बहनें कब तक बैठी रहेंगी, अभी 500 का लॉलीपॉप देंगे सब अपने घर में हो जाएंगी, पुराने भी बढ़ोतरियां सब गिना देंगे और कह देंगे आपका इतना टोटल मानदेय हो गया, बस सब खुश हो जाएंगे। जबकि हकीकत में क्या है, आज तक तो 5 साल में नहीं दे पाए, अब चुनाव है, अब क्या देंगे, सत्ता परिवर्तन तो आप समझते हो कि उसके चांस कितने ज्यादा हैं कि यहां पर अब भाजपा पार्टी जाने वाली है सत्ता से, अब लगता है कि सपा सरकार आएगी, ऐसा जो जनता का अपना सर्वे बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। और जिसकी भी सरकार बने, हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो कम से कम अपने किए हुए वादों को तो पूरा करे। इधर देखिएगा, गीता बहन आती है प्रयागराज से, उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी को लखनऊ में चल रहे धरने में शामिल होने की संघ से अपील। तो यहां पर प्रयागराज की सभी बहनों को, तो देखिएगा यहां पर बुलाया गया कि आप सभी आंगनबाड़ी को सादर नमन करते हैं कि अवगत कराना है कि प्रयागराज के सभी आंगनबाड़ी लखनऊ में हो रहे आंगनबाड़ी के धरने में शामिल हो। आप सभी आंगनबाड़ी अपने अपने सहायिका को लेकर जो है फार्मा मऊ रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी को समय 2 बजे लखनऊ चलने के लिए पहुंचे। 3 जनवरी को लखनऊ के धरने को मजबूत करें। अब किसी की कोई भी ना सुने, हड़ताल तब तक जो है जब तक मांगे पूरी नहीं होती। यह हड़ताल आप आंगनबाड़ी की है, सभी को सूचित करें। अरे इसीलिए तो 3 जनवरी को आपकी सरकार ने यह सम्मेलन वाला नाटक रचा है ताकि आप लोग जो है चुपचाप ब्लॉकों पर बैठे, आपको लगे मानदेय बढ़ने वाला है, फिर क्यों ठंड में जाए इस तरह से। और आप जानते हो शीतलहर आ गई है। गीता बहन है प्रयागराज से, उन्होंने वीडियो भी भेजा है, वीडियो जल्दी आप सबको दिखाया जाएगा। लीला बहन आती है बांदा से एक ये वीडियो उन्होंने भेजा है, बांदा में यहां पर जो है कार्यकर्ती लीला देवी बाल विकास योजना नरेली, और यहां पर पता नहीं क्यों उन्होंने भेजा है, कुछ जानकारी नहीं लिखी। इधर देखिएगा यहां पर एक एरर शो करती है पोस्टर ट्रैकर पर, जब भी आप जो है होम विजिट वाला काम करते हैं, गृह भ्रमण वाला, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एरर में कि बेनिफिशियरी होम विजिट डाटा हैज ऑलरेडी बीन सेव्ड। तो ये वाली एरर क्या किसी और को भी शो करती है, इसका समस्या का समाधान क्या है, कृपया कोई सलाह दे ताकि जो भी बहनों को दिक्कत है उनको इसके बारे में जानकारी हो पाए। तो बहन ने इसके बारे में उससे पूछा था, तो फिलहाल के लिए अगर जानकारी आएगी तो बताएंगे। ऊपर से गड़बड़ हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों में ये दिक्कत आती है, ये होम विजिट वाले जो है उनको भरने में ये एरर शो करता है। विना यादव बहन आती है अलीगढ़ से, और अलीगढ़ में देखिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में दो अभी कार्यक्रम होने वाला है, उसमें ये वाला आप लोगों को प्रारूप दिया जाएगा भरने के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का ऊपर नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और केंद्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या जो को यहां पर सगरी लिखी हुई है कि 0 मास से 3 वर्ष के, 3 वर्ष से 6 वर्ष के और कुल उनका योग। इधर क्रम संख्या का कालम, बच्चे के नाम का, लिंग का, आधार नंबर का, जन्म तिथि का, पिता के नाम का आधार नंबर, माता का नाम और उनका आधार नंबर, मोबाइल का जो है यहां पर अभिभावक का मोबाइल नंबर, वजन किलोग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में। तो आपने देखा यहां पर बच्चे का नाम है, बच्चे का आधार नंबर है, जन्म तिथि उसकी लिखनी है, फिर पिता का नाम है, पिता का आधार नंबर है, फिर माता का नाम है, माता का आधार नंबर है, फिर अभिभावक का जो भी है उनका मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो इस तरह से यहां पर ये एक प्रारूप आया है जो 8 से 14 जनवरी के बीच में होगा। इधर बात करते हैं इसको, विना यादव बहन अलीगढ़ से आती, उन्होंने भेजा हुआ था, बहन को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज जो है हम सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और आप सबको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार 3 जनवरी को जो मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में बोल रही है, क्या वो सार्थक होगी या हमेशा की तरह निरर्थक होगी, झूठ और जुमले पर आधारित होगी, कृपया आप लोग अवगत कराएं, क्योंकि बेचारे अनुदेशकों को भी वो 3 तारीख को इसी झूठले वाले जो है कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और यहां पर अनुदेशक लोगों ने यहां पर साफ शब्दों में कड़ी निंदा इसलिए की है क्योंकि योगी जी को कह रहे हैं कि आपका मानदेय नहीं घटाया गया, ऊपर से सरकारी आदेश आप देख सकते हो उनका मानदेय घटाया गया। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हमारा मानदेय सबका घटाया गया था, 15 जुलाई 2019 का आदेश देखो, मानदेय देकर के उससे रिकवरी करा ली गई थी। ऐसे ही आपको पता होगा एक और प्रौढ़ शिक्षा से लगे हुए कुछ जो है वर्कर आए थे, उनका भी यही हाल था, उनका तो पैसा ही सरकार ने दबा लिया और किसी को भुगतान तक नहीं किया है। प्रेरक जिनका नाम था आपने सुना होगा, ये अनुदेशक हैं और वो प्रेरक थे, उनको तो अखिलेश सरकार ने लगाया था और भाजपा सरकार ने उनको हटा ही दिया पूरी तरीके से, और उन्होंने 2-2 साल तक काम भी किया, उनका मानदेय भी नहीं दिया, वो भी उन्होंने जो है सरकार ने इसने जब्त कर लिया। तो इस तरह से जो है सबको जो है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सरकार ने